हेलो दोस्तों दोस्तों Mi A1 के लिए जो मे का अपडेट था वो सबको मिल चुका है। हम सब ने मे का अपडेट अभी कर दिया है अपने फोन में, और आज मैं आपसे बात करूंगा कि मे अपडेट के बाद इसमें कौन से ऐसे तीन जो प्रॉब्लम थे वो सॉल्व हो चुके हैं। दोस्तों मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हो VTech चैनल। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते है। दोस्तों Mi A1 का मे का जो अपडेट था सभी ने अपडेट कर लिया है, मैंने भी अपडेट कर लिया है, और जो तीन मेजर इश्यू मेरे को लग रहे थे Mi A1 डिवाइस में वो इश्यू इस बार सॉल्व हो चुके हैं। तो सबसे पहला जो इश्यू था वो था हीटिंग प्रॉब्लम। दोस्तों जैसे ही हमने मार्च का अपडेट कर दिया था उसके बाद इसमें हीटिंग का इश्यू जो था वो बढ़ चुका था। जब भी हम मोबाइल यूज करते थे तो काफी हीट हो जाता था, और अप्रैल अपडेट के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। तो दोस्तों मे अपडेट करने के बाद मेरे को ये नजर में आया है कि अब मोबाइल बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम था ये बिल्कुल पूरी तरह से ये जो इश्यू है ये सॉल्व कर दिया गया है मे के अपडेट में। दोस्तों दूसरा जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है वो है बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम। दोस्तों जैसे कि हम फोन आइडियल मोड में रखते थे यानी यूज नहीं करते थे, जैसे कि हमने फोन रात को चार्ज करके रख दिया है और रात को हमारी बैटरी 100% फुल चार्ज है, और हम सवेरे देखते थे तो बैटरी लगभग होती थी 80% या 85%, यानी 10-15% का जो ड्रेन होता था तो वो अब बिल्कुल भी सॉल्व हो चुका है। क्योंकि ये मैंने नोटिस किया है मेरे मोबाइल में, अब मैं जब भी रात को मोबाइल रख देता हूँ आइडियल मोड पे और सवेरे जब चेक करता हूँ तो ज्यादा से ज्यादा 2% या 3% ही बैटरी का ड्रेन होता है। तो ये जो आइडियल मोड में बैटरी ड्रेन का जो प्रॉब्लम था ये पूरी तरह से अब सॉल्व हो चुका है। दोस्तों और जो तीसरा प्रॉब्लम था ऐप क्रैश होना, तो ये जो प्रॉब्लम था ये तो मैंने मेरे मोबाइल में जब से मैंने जनवरी का अपडेट कर दिया था उसके बाद से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। और जनवरी अपडेट के बाद ये प्रॉब्लम मुझे काफी फेस हुआ था, उसके बाद जो फरवरी का अपडेट हुआ उसके बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। मार्च अपडेट के बाद मैंने एक वीडियो बनाया था कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, लेकिन तो भी कभी कभी बीच बीच में कोई कोई एप्स जो है वो क्रैश हो जाते थे। लेकिन अब जो ये मे का अपडेट मैंने कर लिया है और इसका मैंने पूरा डिटेल चेक किया, मोबाइल को काफी यूज किया, उसके बाद अभी तक तो एक भी एप्लीकेशन का क्रैश अभी तक नजर नहीं आया है। तो मेरे हिसाब से ये जो तीसरा प्रॉब्लम है ऐप क्रैश का ये भी मे अपडेट में पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मे का जो अपडेट था ये इश्यू काफी इसमें सॉल्व हो चुके हैं, काफी अच्छा अपडेट Xiaomi ने हमें दे दिया है। लेकिन दोस्तों मे अपडेट के साथ हमें एंड्रॉइड का 8.1 का अपडेट नहीं मिला है, तो देखेंगे अभी Xiaomi हमें कितने दिन में एंड्रॉइड का 8.1 का अपडेट दे देती है Mi A1 डिवाइस के लिए। तो दोस्तों लगभग अगले महीने या इसी महीने के अंत में आपको एंड्रॉइड का 8.1 का अपडेट मिल जाना चाहिए। तो दोस्तों आप भी मुझे बताइए कि आपके मोबाइल में और कौन से बग्स अभी भी आपको दिख रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, तो ये सब बातें मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों जब हमें एंड्रॉइड का 8.1 का अपडेट मिल जाएगा तो हम देखेंगे कि और भी जो यूजर्स कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो भी सॉल्व होते हैं, या एंड्रॉइड 8.1 में हमें और भी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने जो आपको तीन प्रॉब्लम्स का जो सॉल्व हुए है ये जो बताया, अगर आपके मोबाइल में भी ये प्रॉब्लम आते थे और आपने भी नोटिस किया है कि ये प्रॉब्लम सही में सॉल्व हो चुके हैं तो मुझे जरूर बताइए कमेंट्स में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलेंगे दोस्तों अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।